ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharshareef.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। बिहार में होली का पर्व कल 29 मार्च को मनाया जाएगा। उससे पहले हिंदू परंपरा के अनुसार आज शाम होली का दहन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूर्णिया जिले से 35 किलोमीटर दूर बनमंखी प्रखंड के सिकलीगढ़ धड़हरा नरसिंह मंदिर में होने जाने वाले होलिका दहन में सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेंगे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में इतिहासकार डॉक्टर अनंत प्रसाद गुप्ता ने बताया कि यह रंगों का त्यौहार है, यह प्रेम का त्यौहार है। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं, खासकर बनमंखी से जुड़ी हुई। सिकलीगढ़ धड़हरा में जो प्रहलाद स्तंभ है, उसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए थे। नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त प्रहलाद की जान उन्होंने होलिका से बचाई थी और इस अवसर पर होलिका दहन किया जाता है। होली का त्यौहार जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार हैं वह कोई ना कोई संदेश देते ही हैं। उसी तरीके से होली भी बुराई पर अच्छाई का संदेश देता है। हम भारतीयों को, हम सभी लोगों को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों की बदौलत अच्छी संस्कृति जीवित रखना चाहिए। से महत्वपूर्ण त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, प्रकृति से प्रेम का त्यौहार है ये। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं, खासकर बनमनखी से जुड़ी हुई। यहाँ के नज़दीक सिकली का धरारा में जो प्रहलाद स्तंभ है, उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट लिए थे। नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी होलिका से, और इसी के अवसर पर होलिका दहन किया जाता है और दूसरे दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का। हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी त्यौहार हैं, सभी कोई ना कोई संदेश देते हैं, और होली भी उसी में एक है जो हमें बुराई पर अच्छाई का प्रतीक का संदेश देता है। अच्छा, हम भारतीयों को, हम सभी लोगों को अच्छे कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्मों के बदौलत अपनी संस्कृति को जीवित रखना।